हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नर्सिंग लेक्चर एंड जॉब। फ्रेंड्स, तो आप सबके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। यहां पे फिर से नॉर्सेट एम्स से आपके लिए वैकेंसी आई है, एकदम परमानेंट रहने वाली है और लाखों की सैलरी बनने वाली है। तो फ्रेंड्स, ऐसी न्यू अपडेट, नए नए वैकेंसी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पर देखते हैं अपन जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली से नॉर्सेट से यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबल टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट आ चुकी है जो कि 4 अगस्त को कल शाम को ही आई हुई है। पीडीएफ पहले से मिल चुका था और इसमें यहाँ पे अप्लाई कौन कौन कर सकते हैं, तो यहाँ पे अप्लाई जो है बीएससी नर्सिंग वाले, साथ में जीएनएम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे किसको कितना एक्सपीरियंस चाहिए ये सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। लिमिटेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे एज लिमिटेशन जो है 18 टू 30 इयर्स तक के कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो है 3,000 रुपये ओबीसी कैंडिडेट एंड जनरल कैंडिडेट के लिए, एसटी एससी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 2,400 रुपये फ़ीस है एंड पर्सन विथ डिसेबल के लिए एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे आपका जो है, हाँ, फिर जनरल कंडीशंस यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए हैं फ्रेंड्स। तो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन अप्लाई करने का जो डेट है वो यहाँ पे दिया हुआ है 4 अगस्त से 21 अगस्त से शाम 5 बजे तक का है आपके पास टाइम। और आपका जो साइट है वो ये है www.aimsexam.ac.in, इस साइट पे जाके आपको अप्लाई करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह करके अपना फॉर्म अप्लाई करना है। अगर कोई करेक्शन एडिट वगैरह करना है तो यहाँ पर डेट दिया गया है, फॉर्म डेट लास्ट होने के बाद 22 अगस्त से 23 अगस्त तक आप अपना करेक्शन कर सकेंगे। द ऑनलाइन पोर्टल ऑफ एप्लीकेशन विल बी क्लोज्ड बाय 5 PM ऑन 21 अगस्त, ठीक है। तो यहाँ पे फिक्स जो है 5 बजे 21 अगस्त को एप्लीकेशन जो पोर्टल है वो बंद हो जाएगा, आप नहीं भर पाएंगे। इसलिए आप जितना ज़्यादा हो सके अभी इस चैनल को, अभी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़रूरतमंदों तक पहुँच सके और जो तैयारी कर रहे हैं एम्स नॉर्सेट की उनका यहाँ पर सलेक्शन हो सके। द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट इमेज ऑफ द फोटो सिग्नेचर, ये सारी चीज़ को अच्छे से फिल करना है आपको, ठीक। सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड है यहाँ पे। अब बात करते हैं कि कौन से स्टेट पे कितना पोस्ट है ना, कौन से स्टेट से कितना पोस्ट बचा हुआ है, कितना पोस्ट निकला हुआ है उसको देखते हैं अपन। तो यहाँ पे सभी स्टेट के लिए एम्स के सभी राज्य के जहाँ जहाँ पे एम्स हॉस्पिटल हैं वहाँ के लिए यहाँ पे साइट दिया गया है, तो यहाँ से देख सकते हैं आप लोग। इम्पॉर्टेंट एज पर डिसीजन इन फोर्थ मीटिंग ऑफ CIB हेल्ड ऑन 27 जुलाई 1990, 80% सीट आर रिजर्व फॉर दी फीमेल एंड 20% फॉर दी मेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 80% सीट जो है रिजर्व है फीमेल कैंडिडेट के लिए, 20% रिजर्व है मेल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे फीमेल लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि अक्सर फीमेल ही जो है नर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा नर्सिंग करने वाले फीमेल हैं आज के डेट में, और मेल जो है बहुत कम है। ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन है ना, लेकिन यहाँ पे उस बेस पे यहाँ पे जो है रिज़र्व भी रख दिया है फीमेल कैंडिडेट के लिए ज़्यादा यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं सीट के बारे में, कितने कितने सीट किसके लिए है, कहाँ कहाँ कौन कौन से स्टेट के लिए है उसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहे वो PDF जहाँ पे आपको स्टेट से रिलेटेड आपको जानकारी मिल जाएगी कि कहाँ कहाँ से कितनी पोस्ट निकली हुई हैं। तो ये रहा आपका डिटेल, असम से है आपके यहाँ पे, मतलब अलग अलग कैटेगरी इन पोजीशन सेक्शन पोस्ट एंड वैकेंसी ये अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप छत्तीसगढ़ का अगर देखेंगे आप, ठीक है, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ की बात करें तो 79, 17 और 62 इतने सारे पोस्ट हैं। दिल्ली से देखो 990 पोस्ट है टोटल, और हरियाणा, मतलब जहाँ आप अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हो। टोटल पोस्ट जो है यहाँ पर आपका दिखा दिया गया है, 5,238 पोस्ट है टोटल, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा इसको अप्लाई करके। आई होप कि जितने भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं नॉर्सेट में जाने की उनका सिलेक्शन हो इसमें। और हाँ, तो यहाँ पे जो वैकेंसी है वो 2 सेक्शन में है। ये जो है डॉक्टर्स लोगों के लिए है, ग्रुप ए जो है वो है ना, ये पूरा ग्रुप ए का है। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डिटेल फॉर ऑफ डॉक्टर्स, ठीक है। तो ग्रुप ए जो है डॉक्टर्स के लिए है एंड डिटेल ऑफ नर्सिंग ऑफिसर, तो अच्छा इस एरिया में जो है इतने पोस्ट हैं जिसमें से इतने ही खाली बचे हुए हैं और इतने में फिल हैं, ठीक है। ये दिखा रहा है यहाँ पे सेक्शन इन पोजीशन एंड वैकेंसी में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें
तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में टोटल जो है 86 पोस्ट है, 12 जो है फिल है, 74 पोस्ट है। यहाँ पे आप अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। दिल्ली की अगर हम बात करें ठीक है, और यहाँ पे 672 पोस्ट फिल हैं, 511 पोस्ट यहाँ पे बचा हुआ है। तो आप दिल्ली से भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप छत्तीसगढ़ से हैं तो छत्तीसगढ़ से अप्लाई करेंगे, ऑल इंडिया में आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो है ऑल इंडिया में रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना बहुत ज़रूरी है, एंड वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, विश ऑल द बेस्ट एंड गुड।